शऊर की मंजिलों तक का सफर इतना आसान न था जितना आज है। आगही, एहतियात, दरियाफ्त, साइंस, समाजियात, सकाफत, गोया दुनिया की सारी खिड़कियां खुल चुकी हैं, जिससे कभी नर्म सुकून बख्श हवा और कभी कुव्वत अमल को मुतासिर करने वाले थपेड़ों का नौ इंसानी को सामना है। पाकिस्तानी कौम के सामने मीडिया ने हालिया अशरे में इन खिड़कियों को खोला, और ऐसा खोला कि गोया मुआशरे के हर तबके को मुतासिर किया। आज पाकिस्तानी मुआशरे के देही और शहरी दोनों इलाकों के मकीनों तक बीमारी से बचाव की एहतियातों से लेकर कुदरती आफत में आगाही और बहाली तक, यहाँ तक कि जो करप्शन पहले दफ्तरों की फाइलों के अंदर दब जाने से बेबाक थी, अब स्क्रीन पर आने के खौफ में मुब्तिला जरूर हुई है। जहाँ ये सब, वहीं मुआशरे में इन सब खबरों की हर उम्र और हर तबके फिक्र तक रसाई ने मसाइल को जन्म दिया है, जिनका खबर बनना ही सवालिया निशान है। ब्रेकिंग न्यूज, तहकीक व तस्दीक, मेयारे खबर और ये यकीन कि ये काबिल नशर है भी या नहीं, जैसे सवालात काबिल तवज्जो जरूर है। जहाँ तक बात रही टीवी की, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। टीवी के भी पॉजिटिव्स हैं कि आप इससे बहुत जल्दी दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं और उससे इंफॉर्मेटिव हो जाते हैं, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। हमारे माशरे में बेरा रवि को फैलाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार मीडिया और सैटेलाइट चैनल्स का है। आजकल का मीडिया जो है माशरे को जो है वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेके जा रहा है, स्पेशली इसमें जो हमारे इंडियन चैनल्स हैं और इस तरह के जो दूसरे चैनल्स हैं। अब अगर हमारे अपने टॉक शोज़ की बात करें तो वहाँ पे हमें तो कम से कम, जो हमारी जनरेशन, हमें वहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़े नज़र आते हैं। एंकर एक बैठा होता है और वो जो है अब दो पार्टीज़ के लोगों को लड़ा के जो है मज़े से निकल जाता है। जो लिबास हमारे औरतें बच्चे घरों में देखती हैं उन पर वो गलत डेवलपमेंट करता है, तो ऐसा लिबास पहनाया जाए और ऐसे मीडिया शो करे कि जो इस्लामी लिबास हो, ताकि कोई और हमारे बच्चे देखे तो वो मुस्तकबिल में ऐसा लिबास शो करे जिससे जो है ना पूरी कौम जो है ना उस लिबास को अपनाए और अपने पाकिस्तानी और इस्लामी मुल्क में रहते हुए ऐसा लिबास अपनाए कि वो इस्लामी नज़र आए। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जा रहा है मीडिया पे, और जो हमारे जो लोगों की ज़रूरियात हैं, जो और मसाइल हैं, उनको कम मीडिया फोकस कर रहा है। भाई ज़्यादातर तो ख़राब ही चीज़ें दिखा रहे हैं, कोई अच्छी तो नहीं दिखा रहा। एक दो ही चैनल हैं जो अच्छा बताते हैं। उनका कोई इतना मकसद नहीं होता, उनका कोई इतना एम नहीं होता, बस वो दिखाते हैं कि सास बहू के क्या होते हैं, बस मसाइल बस वो दिखाते हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तेज रफ्तारी ने मुआशरे और सियासत पर बैक वक्त हल्ला बोल दिया है। ये तासुर पाया जाता है कि मीडिया ने जिंदा रहने और बिजनेस को जिंदा रखने के लिए मल्टीनेशनल कल्चर को आगे बढ़ाया है। मल्टीनेशनल मीडिया के असर के तहत ब्लेड, सिगरेट, टूथपेस्ट और दुनिया की हर शय की फरोख्त के लिए औरत की एक एक अदा को इस्तेमाल किया जा रहा है। तशहीर और तरगीब का जरिया औरत बन गई है। सवाल यह है कि माल बेचने का हक अपनी जगह पर, लेकिन इसके लिए मुआशरे को फ्रस्ट्रेशन के कुएं में धकेलना क्या बहुत जरूरी है? मीडिया ने जिंदगी को इतना आइडियलाइज कर दिया है कि इंसान की वहां तक पहुंच मुमकिन नहीं, जिसकी वजह से मुआशरे में तलाकों के रुझान में इजाफा हुआ है। रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। बाज़ औक़ात यही मीडिया एक वाक़े को इतना बढ़ा चढ़ा के या पेश करते हैं जिससे हॉरर या फैलता है, लोग उसमें दहशत में आ जाते हैं। हमने देखा है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है लोगों पे, और लोग खौफ डर में मुब्तला हो जाते हैं और अनसर्टेनिटी की कैफियत में आ जाते हैं। और नौजवानों पर मैं ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि जब ये इस किस्म के मीडिया ऐसे प्रिडिक्ट कर देती हैं, ऐसी आइडियल लाइफ को दिखाते हैं जिसकी वजह से वो नाकामियों या आम जिंदगी से हट कर होती हैं। मसलन अगर आप देखें हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में दिखाया जाता है जो कुछ, वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब हमारे किसी कल्चर में ये नहीं है कि लड़की गा गा के अपने उसको जो है मनाए, उसमें ऐसा दिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि, और जिस तरह आइडियल घर और आइडियल माहौल और बहुत वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और स्टाइल, ख़ास तौर पर ये हमारे अदाकारों की लाइफस्टाइल वो दिखा देते हैं, जिसकी वजह से नौजवान उसी डगर पे चलने की कोशिश करते हैं
اور جو گراؤنڈ ریالٹی اس کے مطابقت نہیں ہوتی تو لہٰذا ڈسپیرٹی ہوتی ہے، اس ڈسپیرٹی سے لوگوں میں مختلف نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں، جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی حصول کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے کلچر سے، مذہب سے اور ہماری جو غریب ملک ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ڈپریشن اور افسردگی کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ مرض آگے چل کر جرم اور خودکشی پر منتج ہوتا ہے۔ اس کا سبب صرف غربت نہیں ہے، خوشحالی کے باوجود لوگ ذہنی امراض، منشیات اور خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے ہم ویلیو بیسڈ معاشرہ ڈیولپ کریں، اپنی اقدار، اپنی تہذیب، اس کے پر فخر کرتے ہوئے اس کو ویلیو بیسڈ ایک معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ جو یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ روزانہ ایک چینل سے کوئی نہ کوئی جرائم کی کہانی، ان کی بجائے ہمیں معاشرے میں خوشی، سکون اور اس طرح کی پروگرامات ہمیں رواج دینے چاہیے، ہمیں اس کی ترویج کرنی چاہیے۔ میڈیا کے چار مقاصد بیان کیے جاتے ہیں، اطلاعات کی فراہمی، اب سے 5 منٹ پہلے یہاں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اعجاز بٹ بھی پہنچ گئے ہیں، تعلیم کا فروغ، تفریح مہیا کرنا، آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے کیا رکھا، دیکھیے یہ ہے ایک ٹائم بورڈ، اور قومی یکجہتی کا حصول۔ ان چار مقاصد کو اگر طاقت مل جائے تو ملک میں روشنی پھیل سکتی ہے۔ پی ٹی وی نے اپنے ابتدائی دور میں بڑی حد تک تفریح کی فراہمی کا کام دل لگا کر کیا، اس کا ایک نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے بھارت جیسے ملک پر بھی اثر انداز ہوئے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری پائی جاتی ہے۔ شمع اے آر خاتون کا ایک بڑا ضخیم ناول تھا، جس میں بے شمار کردار اور ایک ماحول کی عکاسی کرتا تھا، اور وہ جو تھا بہت لوگوں میں مقبول ہوا اور اس کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس کو دیکھنے کے لیے ہندوستان سے جاوید اختر آئے، کہنے کہ بھائی ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ اتنا بڑا سیریل یہ ان لوگوں نے کیسے بنا لیا۔ مشہور افسانہ نگار عصمت چغتائی آئیں، تو عصمت چغتائی جو تھیں وہ بھی ظاہر ادب کی دنیا افسانہ نگار، اور پھر یہ کہ 20ویں صدی میں مستقل لکھنے والے خاتون تھیں، انہوں نے یہاں کراچی پی ٹی وی کا دورہ بھی کیا، پھر تمام معلومات کے بعد ان کا 20ویں صدی میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں انہوں نے پی ٹی وی کے بارے میں لکھا، کہنے لگی کہ میں ایک شادی میں گئی تو پتہ چلا کہ وہاں تو نہ ابھی بارات آئی ہے نہ لوگ آئے ہیں، تو وہاں معلوم کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ابھی جب تک یہ شمع کی قسط ختم نہیں ہو جائے گی اس سے پہلے بارات بھی نہیں آئے گی، لوگ بھی نہیں آئیں گے، مہمان بھی نہیں آئیں گے۔ پاکستانی ڈرامے آج بھی عالمی سطح پر ڈی وی ڈی اور انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھے جاتے ہیں۔ ان ڈراموں کو سدا بہار کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، لیکن اب تو گویا ٹی وی کی تفریح مغربیت اور سطحیت کی زد میں آ گئی۔ تفریح کا مفہوم بدذوقی بن کر رہ گیا، کلچر اور فن کا معیار انتہائی پست ہو گیا۔ اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو ہمیں 2-3 باتیں بڑی نمایاں نظر آتی ہیں کہ پی ٹی وی کے ڈرامے نے کس طرح سے اپنا مقام پیدا کیا، کس طرح سے مثالی کردار اس میں دیے، کہانی کس قدر نیچرل ہوتی تھی کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہی گھر کے
का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो यही खूबियाँ होती थी उस ज़माने के ड्रामे की कि रियलिटी को और इन तमाम बातों को और उसकी जज़्यात को जो है बड़ा सोच समझ कर दिखाया जाता था। और अब जो है मैं ये समझता हूँ उस तकाबुल में ये देखा जाए तो हम शायद वो अच्छी कहानियों को भी फरामोश कर गए जो हमारा वतीरा थी, जो हमारे घरों में देखी जाती थी। पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को मुतहर्रिक और तवाना रखना हम पर कर्ज है, लिहाजा नौजवान नस्ल के लिए प्रोग्रामात इसलिए तरतीब दिए जाते हैं कि वो बेदार रहें, अपने कौमी नजरिए को न भूलें और अपने करियर की प्लानिंग कर सकें। ये म्यूजिक कंसर्ट, ये नाइट शोज और ये बसंत और वैलेंटाइन डे पर भंगड़ा, क्या ये सब कुछ पाकिस्तानी नस्ल को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने दे रहे हैं या इनकी बेराह रवि का सामान मुहैया कर रहे हैं? अदाकार, गुलकार और खिलाड़ी हीरो बनाकर पेश किए जाते हैं, जबकि दानिश्वर, साहिब इल्म, कलमकार, साइंसदान और दीगर माहिरीन कहीं पीछे। वो कौमें तो बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हैं और वो कैसे तरक्की करेंगी जो अपने मीडिया का बेशतर वक्त रक्सो सुरूद और फजूल कामों में गुजार दे और जाया कर दे उस वक्त को। इमाम शाफी के बकोल के वक्त को ना काटो, वक्त जिंदगी है। तो हमारा मीडिया अभी इस बहुत ही अहम तरीन जो टाइम है हमारे पास उसको, उसका बेशतर वक्त हमारा जाया हो जाता है। हमें उन लोगों को जो हमारी फिक्री रहनुमाई करते हैं तालीम के शोबे में, तहजीब और तमद्दुन के दूसरे शोबों में जो लोग लीड कर रहे हैं, हम उन्हें रोल मॉडल बना के और मीडिया के जरिए से, उनके जरिए से हम उन्हें रोल मॉडल बनाएं और उनके जरिए से हम अपनी नई नस्ल की रहनुमाई का फरीजा सर अंजाम दें। मीडिया का एक मकसद कौमी यकजहती के हुसूल को यकीनी बनाना था, लेकिन ये काम अब तक ना हो सका। 1971 में भी मीडिया ये नहीं बता रहा था कि मशरकी पाकिस्तान में क्या हो रहा था, और आज सन 2012 में मीडिया ये नहीं बता रहा कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों में क्या हो रहा है। 24 घंटे कार्टून नेटवर्क पर दिखाए जाने वाले कार्टून्स बच्चों के माइंड कंट्रोल करने का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, नतीजा रवैयों में तब्दीली। पड़ोसी मुल्क की सकाफत, मजहब और जबान का चलन मीडिया में इस तरह से आम हुआ कि बेराह रवि के मनाजिर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं सड़कों, पार्कों और तालीमी इदारों में कसरत से नजर आते हैं। बेहयाई खुद आगे बढ़कर आंखों में घुसती है, अपना पैगाम कानों में डालती है। इंटरनेट जो अक्सरियत की दस्तरस में है, जहां एक क्लिक की दूरी पर वो सब कुछ जिसको मालूमात का खजाना कहें, और बिल्कुल साथ ही साथ वो सब कुछ भी मौजूद है जिसको तबाही का वो बारूद कहें जो सब कुछ तबाह कर दे। मीडिया ने सारी दुनिया को कैप्चर किया, उसमें हर मुल्क ने अपने आप को कुछ पाबंद भी किया, और उस पाबंदी में बेशुमार चीज़ें ऐसी भी आईं कि जिसको जो है उसका इस्तेमाल, एक सही इस्तेमाल और एक गलत इस्तेमाल, उन दोनों की तरफ भी ध्यान गया। और बाज़ कौमों ने तो अपना जो है कल्चर इंडक्ट करने की कोशिश की। अब सबसे बड़ा हथियार यही मीडिया है, हम जिस कौम को चाहें कैप्चर कर लें, इतनी पब्लिसिटी करें उसके खिलाफ कि जैसे अब इराक के साथ हुआ, क्या वहाँ एक तैयारा भी नहीं उड़ सका क्योंकि उनकी पब्लिसिटी इतनी ज़बरदस्त थी, उन्होंने वो आपके जहन को मुसक्खर कर लिया था उन्होंने कि जिसमें आप ये महसूस कर रहे थे कि शायद हम चारों तरफ से घिर गए और हमारे लिए जो है सरवाइव करना मुश्किल हो गया। तो ये यलगार जो है अब जो है मीडिया की यलगार, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे इंसान के जहनों को तब्दील किया जा सकता है, इंसान के तमाम हालात को तब्दील किया जा सकता है और उनको एक जगह मुंजमद किया जा सकता है। मीडिया के असरात बद की रोकथाम की जा सकती है अगर अरबाब इक्तदार हुकूमती सतह पर रोकथाम की कोई पॉलिसी बनाए। मीडिया में मौजूद लोगों को खबरियत और मेयार के साथ साथ अखलाकी अकदार और बाहया सकाफत के महाजों पर बैक वक्त काम करना है, और जो इस काम को कर रहे हैं उनके काम को सराहा जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरत है कि मिशन और कारोबार का फ़र्क समझा जाए। एक नज़रियाती मुमलिकत में मीडिया को उसके बुनियादी नज़रिए का ताबे होना और उसकी तरवीज और नई नस्ल में मुंतकली के लिए
استعمال ہونا چاہیے۔ پرشور ندی کو ویران زمین کی سمت رواں کر دیا جائے تو ہر سمت سبزہ چھا جاتا ہے۔ میڈیا کی اس طاقت کو پاکستانی معاشرے کی جہالت، غربت، ناانصافی کے خاتمے اور اخلاقی اقدار کے فروغ کے لیے استعمال کیا جائے تو معاشرہ سکون و عافیت بھی پا سکتا ہے اور عروج کی جانب گامزن بھی ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا۔ میڈیا کی تعمیر، پاکستان کی تکمیل۔